आज सुबह का मौसम बहुत सुहाना था। मेरी प्यारी बहन ने मेरा फेवरेट नाश्ता रेटी और उपमा बनाया था, जो मैं मज़े ले लेके खाया। उपमा अगर होगा तो मुझे रेटी चाहिए, क्योंकि मैं खाली उपमा खा नहीं पाती हूँ, इसलिए मैं रेटी के साथ ही खाना चाहिए। तो दोस्तों, आप सब्सक्राइब तो करो, वीडियो तो देख रहे हो मगर सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन प्रेस करो, ताकि मेरा जो भी वीडियो आएगा पता चल जाएगा आप लोगों को। तो प्लीज़ बेल बटन को भी प्रेस करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब मेरा क्यों नहीं बढ़ रहा है? आप लोग सब्सक्राइब तो करो, व्यूज तो आ रहा है मगर सब्सक्राइब नहीं बढ़ रहा है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो। उपमा तो ख़त्म हो गया मगर चाय बच गया, तो मैं चाय को मज़े ले लेके चुस्की ले लेके पिया। फिर मैं अपने काम पे लग गई। तो मैं ये जो मांडिया को साफ कर रही हूँ, इसको मैं पाउडर बनाऊँगी। इसको मैं अच्छे से धो लूँगी, धोने के बाद इसको धूप में सुखाऊँगी, वो सूख जाएगा तो फिर मैं इसका पाउडर बनाऊँगी। तो इसका वीडियो में और एक बना के आपको दिखाऊँगी। आज मुझे चावल का आटा बनाना है। रात को मैंने जो तिल है उसको भिगोया था, तो सुबह उसके पानी को छान लिया, फिर उसको मैं ऐसे ज़मीन पे रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही हूँ। जो तिल का तिल काला होता है, उसको ऐसे रगड़ने से उसका छिलका निकल जाता है, और मैं ये छिलका निकल जाने के बाद उसको अच्छे से धोऊँगी। धोने के बाद इसे मैं धूप में सुखाऊँगी, और धूप में सूखने के बाद मैं इसका लड्डू बनाऊँगी। तो इसका वीडियो में और एक वीडियो में दिखाऊँगी। तो तिल का छिलका अच्छे से निकल गया है, तो अभी मैं उसको सब उठा के अच्छे से धो रही हूँ। धोने के बाद उसको छान लूँगी, छानने के बाद इसको भी मैं धूप में सुखा लूँगी, और जब सूख जाएगा तो उसका छिलका जो लगा है काला काला, उसको मैं अच्छे से साफ़ कर दूँगी। सूखने के बाद अच्छे से साफ़ हो जाता है। अभी अच्छे से धो लिया, अभी इसको छान के एक प्लेट में उसको सुखा लूँगी। तो अभी प्लेट में डाल रही हूँ, इसको मैं प्लेट में डाल के अच्छे से फैला के अभी मैं धूप में उसे सुखाऊँगी। धूप में सुखा दिया। तो अभी मैं जो चावल भिगोया था उससे मैं चावल का आटा बनाऊंगी। तो चलो चावल का आटा बनाते हैं। चावल का आटा को ग्राइंडिंग कर लिया, तो उसको मैं एक छन्नी में निकाल के इसे छानूंगी, जिससे आटा निकलेगा।
चावल का आटा निकल चुका है। अभी मैं इसको एक प्लेट में लेके धूप में सुखाऊंगी। तो मैं अभी इसको ये जो मांडिया था मैं एक खटिया बिछा दिया उसके ऊपर एक कपड़ा देके मांडिया को अच्छे से सुखा रही हूँ। इसके बाद यहाँ पे चावल का आटा को सुखाऊंगी, तो डाल के उसको फैला के धूप में सुखा दूंगी। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी और एक वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।